सो हेलो गाइस, आई एम गौरव एंड वेलकम बैक टू माय चैनल टेच गौरव। सो फ्रेंड्स, आज का वीडियो यूट्यूबर्स के लिए है, खासकर तो यूट्यूबर्स के लिए इसलिए है जो नए यूट्यूबर है उनके लिए है। तो यूट्यूब में का थंबनेल उन्हें बनाना बढ़िया से नहीं आता है, इसलिए आज का वीडियो मैंने उनके लिए बनाया है। तो चलिए शुरू करते हैं, यूट्यूब का जो थंबनेल होता है उसे कैसे क्रिएट किया जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं, यूट्यूब का थंबनेल कैसे क्रिएट किया जाता है उसके लिए आपको प्ले स्टोर में मिल जाएगा। तो आप वहां से जाके पिक्सेल ऐप डाउनलोड कर ले। तो पिक्सेल ऐप डाउनलोड करने के बाद आप पिक्सेल ऐप ओपन करें। तो मैं पिक्सेल ऐप ओपन करता हूँ। पिक्सेल ऐप ओपन करने के बाद आप यहाँ थ्री डॉट आपको दिख रहा होगा, तो आप थ्री डॉट पर क्लिक करें। पहले मैं इसे हटा लेता हूँ, मेरा पहले से क्रिएट था। तो मैंने इसे हटा लिया है। तो हटाने के बाद आप यहाँ थ्री डॉट पर क्लिक करें। फर्स्ट में आपको ऐसा दिखेगा। सो आप ये थ्री डॉट पर क्लिक करें। थ्री डॉट पर क्लिक करने के बाद आप इमेज साइज पर जाएं। इमेज साइज में कस्टम जाने के पर बाद क्लिक करें। कस्टम पर क्लिक करने के बाद आप यूट्यूब चैनल बैनर पर नहीं, यूट्यूब थंबनेल पर क्लिक करें। ठीक है, यूट्यूब थंबनेल पर क्लिक करने के बाद आप ओके क्लिक करें और इसे न्यू टेक्स्ट को डिलीट कर दें। न्यू टेक्स्ट को डिलीट करने के बाद आप यहाँ जो आप सर्कल वाला जो देख रहे हैं ऑप्शन बीचों बीच जो है, आप इसे टैप करें और सेव पर क्लिक करें। सेव पर क्लिक करने के बाद आप सेम एकदम जितना बड़ा ये है जो आपका बैकग्राउंड है, आप उसी शेप में एकदम ले आए इसे भी। तो मैं इसे ले आता हूँ पहले उस शेप में। तो हमारा ये उस शेप में आ चुका है। शेप में आने के बाद आप नीचे यहाँ कलर अपना चूज़ करें। ग्रेडियंट में आप चूज़ करें, ग्रेडियंट ज़्यादा बेटर दिखेगा। तो मैं ग्रेडियंट अपना चूज़ कर लेता हूँ। आप देख सकते हैं ग्रेडियंट ऐसा होता है, दो कलर तीन कलर मिक्स करके। तो मैंने ग्रेडियंट चूज़ कर लिया और स्ट्रोक आप ये सब पूरा फुल कर दें। तो इसके बाद आप राइट ऑप्शन क्लिक कर दें और राइट पर क्लिक करने के बाद अब आपको यहाँ कुछ लिखना है। जैसे मैं अपना लिखता हूँ अभी जो मैं बना रहा हूँ, हाउ टू क्रिएट थंबनेल। तो आप यहाँ ए जो आपको दिख रहा है, ए आप ए पर क्लिक करें और टेक्स्ट पर क्लिक करें। टेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद आप एडिट पर क्लिक करें। सो एडिट पर क्लिक करने के बाद आप यहाँ जो आपको लिखना है आप वहाँ लिख दें। तो मैं यहाँ लिखता हूँ मैक प्रोफेशनल। सो मैक प्रोफेशनल। इसके बाद आप इसे कलर दे दें, कलर बाद में दीजिएगा। पहले आप इसका बैकग्राउंड पहले दे दें। तो बैकग्राउंड आप दे दीजिए अपने हिसाब से, कौन सा कलर आपको बेटर लग रहा है इस पर, तो अपने हिसाब से दीजिएगा बैकग्राउंड। तो ये कलर अच्छा लग रहा है। बैकग्राउंड देने के बाद अब दोनों ओर से बराबर कर दें। सॉरी गाइस, बंद हो गया। अब दोनों ओर से बराबर कर दें। जिस तरह से बैकग्राउंड के बाहर मैंने निकाला इसे, उसी तरह से इधर साइड भी आपको निकालना है थोड़ा सा। तो थोड़ा सा इधर से भी निकाल दिया और ऊपर से ज़्यादा है पर नीचे से करना, तो आप नीचे से भी थोड़ा निकाल दें। ऊपर से थोड़ा ज़्यादा करके ऊपर का जो साइज़ था उसी पे रखने के बाद नीचे से आप थोड़ा निकाल दें। तो ये हमारा निकल चुका है बैकग्राउंड का। उसके बाद आप टैप कर दें और अपना ये जो फॉन्ट है, आप फॉन्ट को अपना चेंज कर दें। तो फॉन्ट अपने हिसाब से रखें, तो फॉन्ट मैंने चेंज कर लिया। सब देख सकते हैं कैसा दिख रहा है फॉन्ट। अब कलर चेंज करें, जो फॉन्ट का है उसका कलर चेंज करें और कलर अपने हिसाब से रखना है। तो मैं इसमें वाइट ही रखूँगा। वाइट रखने के बाद आप राइट ऑप्शन क्लिक करें और जो ये क्या बोलते हैं फोन का है, सो स्टाइल थोड़ा चेंज कर दो। तो स्टाइल पर क्लिक करेंगे, जो आपको ये बी दिख रहा है बी पर क्लिक करें और ये वाला ऑन करें। तो उसके बाद मैं इस पर राइट करूँगा और इसे एक जगह सेट कर लूँगा। अब इसे करके आप इसको अपना तरह से सेट कर लें। तो ये सेट हो चुका है। अब आपको यहाँ लिखना है, इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। तो ये बड़ा हो चुका। अब निकला है यहाँ नीचे थंबनेल लिखना है मेरे को, तो मैं थंबनेल लिख लेता हूँ। तो थंबनेल लिखने के बाद आप ओके पर क्लिक करें और इसको भी एक बैकग्राउंड कलर दे दें। तो पहले मैं बैकग्राउंड कलर इसको दे देता हूँ। तो बैकग्राउंड कलर मैं इसका बैकग्राउंड कलर ग्रेडियंट कर दूँगा। तो ये हमारा बैकग्राउंड कलर तो हो गया। और इसका थोड़ा सा इधर से भी बढ़ा दें, राइट से भी, और बैकग्राउंड का
और थोड़ा सा लेफ्ट का भी, जिससे आपका बैकग्राउंड जो है एकदम बीचों बीच दिखे, मतलब जो आप लिखे या टेस्ट बीचों बीच देखे बैकग्राउंड का। तो ऊपर से नहीं नीचे से आपको बढ़ाना है, क्योंकि ऊपर से बहुत जगह छोड़ता है बट नीचे से नहीं छोड़ता, इसलिए नीचे से बढ़ाना। दोनों ऊपर नीचे दोनों बराबर रंग चाहिए और राइट लेफ्ट दोनों बराबर रंग चाहिए। तो ये हमारा बन गया, अब इसे थोड़ा बड़ा कर देते हैं। सो ये बड़ा हो गया। अब आपको ये ड्रा वाला सेक्शन पे जाना है, ये आपको सर्कल वाला पे क्लिक करने के बाद ड्रा पे क्लिक करना है और यहाँ आपको ऊपर में ब्लैक और वाइट और रेड देना है, ठीक है। तो आप इसे फील वाला इनेबल कर दें और ऊपर से ब्लैक वाइट और रेड तीनों मिला करके आप दे, और नीचे से अपोजिट साइड, जिस अब नीचे से अपोजिट साइड से ले। ऊपर से मैंने राइट से लिया था, इस बार आपको लेफ्ट से लेना है, तो लेफ्ट से मैं लेता हूँ इस बार। सो लेफ्ट से लेने के बाद वही तीन कलर यूज़ करना है आपको, फिर से ब्लैक वाइट और रेड। तो मैंने इसे तीन कलर यूज़ कर रहा हूँ, ब्लैक ब्लैक। तो ये हमारा तीन कलर यूज़ हो चुका। अब आप इसे राइट पर क्लिक करके आप इसे पहले साइड कर ले और ये जो थंबनेल लिखा हुआ है उस पर क्लिक करके कॉपी कर ले, एक बार जाकर के कॉपी कर ले। तो कॉपी करने के बाद जो आपका पहले बना हुआ था उसे आप डिलीट कर ले, जो पहले बना था उसे आप डिलीट कर लिए, और जो ड्रा जो बनाए थे उसको आप ले करके आप बढ़िया से एक जगह सेट करें। आपको सेट उसी अपने हिसाब से करना है। तो पहले मैं इसे सेट करता हूँ, इसे एक जगह सेट करता हूँ। तो ये हमारा सेट हुआ और थंबनेल को यहाँ ले आए, थंबनेल को ला करके और इसके ऊपर लगा दे। सो अब आप देख सकते हैं हमारा थंबनेल, थंबनेल का तो मस्त हो गया, थंबनेल अब ठीक लग रहा है। अब ऊपर जो मैक प्रोफेशनल है उसमें भी आपको यही चीज़ करना है। तो फिर से आप ड्रा पर जाएँ, थ्री ऑप्शन में जाने के बाद आप ड्रा पर क्लिक करें और फिर से आपको वही स्टेप यूज़ करना है। तो अब फिर इन साइड पर क्लिक करें और करें कलर चेंज कर करके करें तो ठीक रहेगा। तो कलर चेंज करके करता हूँ, तो ये हमारा हो चुका। अब इसे साइड कर दे और मैक प्रोफेशनल को आप कॉपी कर दें, ए पर जा करके आप कॉपी करें और जो पहले बना हुआ था उसे फिर से डिलीट कर दें। तो डिलीट करने के बाद आपका जो ये ड्रा बना हुआ है आप उसे इस जगह पे सेट करें और थोड़ा तिरछा करके करें, जिससे आपका फॉन्ट है मस्त दिखे। तो पहले मैं इस सब को सेट कर लेता हूँ बढ़िया जगह पे। तो इसे सेट करने के लिए मुझको जगह चाहिए। अब चलते हैं इसको, तो आप इसे पहले ले आए पोजीशन पर, हाँ ये आ चुका। अब मैक प्रोफेशनल जो मैंने लिखा है उसे इस जगह पे सेट कर देता हूँ। सेट करने के बाद इसे थोड़ा बड़ा कर देता हूँ जिससे ये दोनों बराबर दिखे। तो मैंने इसे सेट कर लिया। सेट करने के बाद आप देख सकते हैं थंबनेल कैसा दिख रहा है। आप इसे 3D और बना सकते हैं, तो 3D वाले हिसाब से उस पर क्लिक करने के बाद आप 3D जो सेफ है आप उस पर क्लिक करें और इसे इनेबल कर दें। इनेबल करने के बाद आप नीचे से आप बढ़ा अपने हिसाब से बढ़ा घटा करके देख सकते हैं कैसा दिख रहा है। तो मैं इतना पे रखता हूँ और नीचे मैक प्रोफेशनल पर क्लिक करता हूँ, उसमें भी वही 3D टेक्स्ट ओपन करता हूँ और इसे इनेबल करता हूँ। तो इसमें 3D टेक्स्ट अच्छा नहीं दिख रहा है इसलिए रहने देता हूँ। नीचे वाले को भी है जो ड्रा वाला था उसे क्लिक करता हूँ और 3D बना देता हूँ। तो 3D बनाने के लिए फिर से इसे राइट पर क्लिक करता हूँ और इसका ओपेसिटी पूरा कम करता हूँ। सो आप देख सकते हैं हमारा थंबनेल कैसा दिख रहा है, कैसा दिख रहा है। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करें, साथ ही घंटे वाले आइकन पर भी क्लिक कर दें, जिससे हमारी लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो सो थैंक यू फ्रेंड।